और वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर 2600 करोड़ के होर्डिंग घोटाले का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एमसीडी बीजेपी नेताओं के होर्डिंग फ्री में लगा रही है, इससे दिल्ली वालों का 2600 करोड़ लूटा जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली भर में होर्डिंग लगाने के लिए एमसीडी ने बीजेपी से एक पैसा भी नहीं लिया है, लेकिन वो नागरिकों पर हाउस टैक्स, पार्किंग टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स ने भारी चार्ज कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पंचशील पार्क, अरविंदो मार्ग, चिराग दिल्ली वगैरह समेत बीजेपी नेताओं के होर्डिंग्स प्रोजेक्ट पर दिखाए। उन्होंने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि अगर दिल्ली में बीजेपी ने 500 होर्डिंग लगाए हैं और एक का मासिक किराया 1 लाख भी मान लें, तो वो उनके बिल दिखाएं कि 5 करोड़ का बिल उसने किसके नाम से दिया है। दिल्ली के अंदर जितने भी होर्डिंग्स हैं, खास तौर पे राजनीतिक होर्डिंग जो लगते हैं, जो एमसीडी की पेड साइट्स पर लगते हैं, वो भाजपा के होते हैं। भाजपा के नेताओं का जन्मदिन है, भाजपा का नेता कोई मंत्री बन गया, भाजपा का नेता कोई सदन में चेयरमैन बन गया, कोई स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कोई पद ले गया, कोई मेयर बन गया, हर आदमी के होर्डिंग्स एमसीडी की पेड साइट्स पे आपने लगे हुए देखे होंगे। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि करोड़ों रुपए के होर्डिंग्स भाजपा के नेता मुफ्त में लगाते हैं, 1 रुपए का फायदा इसके अंदर एमसीडी को नहीं हो रहा है। हमने अपनी टीम को मात्र 2-3 सड़कों पे भेजा कि आप जाके भाजपा के नेताओं ने जो अपने होर्डिंग लगाए हैं, जो पेड होर्डिंग है, उनकी फोटो लें और उसकी जीपीएस लोकेशन के साथ उसकी स्टैंप लगाएं। मान लीजिए वो अगर स्वामीनगर का है तो वहां पे लिखा आएगा कि किस कोऑर्डिनेट पे ये होर्डिंग लगा हुआ है। आज इन फोटोज को दिखा के मैं दिल्ली भाजपा के नेताओं से पूछना चाहूंगा, मीनाक्षी लेखी के होर्डिंग लगे उनसे पूछना चाहूंगा, रमेश विधूड़ी जी के होर्डिंग लगे हुए उनसे पूछना चाहूंगा, आदेश गुप्ता के होर्डिंग लगे हुए हैं उनसे पूछना चाहूंगा, इन होर्डिंग्स की रसीद दिखाओ, इन होर्डिंग्स का बिल दिखाओ, आपने कितने पैसे की पेमेंट करके इन होर्डिंग्स को लिया है। एक होर्डिंग का किराया कहीं 1.5 लाख होता है, कहीं 2 लाख होता है, हम 1 लाख रुपए भी लगा लें तो भी पूरी दिल्ली का हिसाब अगर लगाएं तो करीब 2600 करोड़ रुपए की आमदनी दिल्ली के अंदर मात्र होर्डिंग से हो सकती है। मैं बात मानता हूं कि पूरे साल जो है दिल्ली में होर्डिंग नहीं लग सकते, हर साइड पे पूरे साल होर्डिंग नहीं लगते, कभी लगता है, बीच में 5 दिन हटता है, कभी फिर लगता है, फिर 2-3 दिन हटता है। मैं इसको अगर आधा भी कर दूं और ये बोल दूं 6 महीने ही होर्डिंग लग पाते हैं, 6 महीने नहीं लग पाते, तो भी 1320 करोड़ रुपए के करीब होर्डिंग से कमाई होती है। 1320 करोड़ रुपए जहां पे भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम कमा सकती है, मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा कमाया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update.